बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। डीएमजी कृष्णैया की हत्या में दोषी आनंद मोहन को 27 अप्रैल को रिहा कर दिया गया था। 29 अप्रैल को डीएमजी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने इस रिहाई को चुनौती दी। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गई है। बिहार सरकार जेल मैनुअल में बदलाव किया था। इसके बाद आनंद मोहन सिंह गुरुवार सुबह 6:15 सहरसा जेल से रिहा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार होने पर डीएमसी जी कृष्णैया की पत्नी ने कहा कि ये अच्छा संकेत है, मुझे न्यायालय पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जरूर न्याय करेगा। सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके फैसले को वापस लेने का निर्देश देगा। जिस दिन आनंद मोहन की रिहाई हुई थी उस दिन उमा कृष्णैया ने कहा था कि ये वोट बैंक की राजनीति है। बिहार सरकार ने राजपूत वोटों के लिए आनंद मोहन की रिहाई की है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दलित संगठन से जुड़े अमर ज्योति ने भी 26 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में पीएल दायर किए। कारागार अधिनियम 2012 को संशोधित कर सरकार ने जो अधिपत्र निकाला है उसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। अमर ज्योति भोजपुर के पीरों के रहने वाले हैं। उन्होंने कोर्ट से सरकार की ओर से जारी उस अधिपत्र को निरस्त करने की अपील की है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।